हे गाइस, आज इस वीडियो में बात करेंगे रियलमी X3 डिवाइस के बारे में। मुझे पता है आप लोगों में से काफी लोग इस डिवाइस का बड़ी बेसब्री से वेट कर रहे हैं और काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है रियलमी X3 सीरीज के साथ। रियलमी X3 रिसेंटली गूगल कंसोल के ऊपर देखा गया था और अब BIS सर्टिफिकेशन पर भी लिस्टेड हो चुका है, जिसका मतलब है कि इस डिवाइस का इंडियन लॉन्च बहुत ही करीब है। और राइट गाइस, रियलमी X3 डिवाइस से रिलेटेड कुछ स्पेक्स रिवील हुए हैं जिन्हें जानकर कुछ लोगों को काफी अच्छा लगेगा और कुछ का मूड खराब भी हो सकता है। इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले देयर विल बी अ डाउनग्रेड, क्योंकि रियलमी X3 के साथ में आपको इस बार एक AMOLED डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगा और एक IPS LCD पैनल देखने को मिल सकता है। ये डिस्प्ले 6.6 इंचेस का होगा पिल शेप कैमरा कटआउट के साथ में। गाइस, जैसे कि यहाँ पर एक IPS LCD पैनल होगा तो फिर यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर तो देखने को नहीं मिलेगा, तो ये डिवाइस साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ में आएगा। फुल HD रेजोल्यूशन के ऊपर आपको यहाँ पर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल सकता है, जो इससे पहले आपको रियलमी X50 और रिसेंटली रियलमी X3 सुपर जूम एडिशन में देखने को मिला था। अब मेरी तरह जो लोग यहाँ पर एक AMOLED पैनल एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनको यहाँ पर डिस्प्ले को लेकर थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होना पड़ेगा। लेकिन अगर बात आती है प्रोसेसर को लेकर, तो एक बहुत ही बड़ा अपग्रेड आप कह सकते हैं, क्योंकि रियलमी X3 के साथ आपको मिलने वाला है Qualcomm Snapdragon 855 Plus का चिपसेट, जो कि रिसेंटली रियलमी X3 सुपर जूम एडिशन में भी देखने को मिला था। ये चिपसेट Qualcomm की तरफ से एक बहुत ही पावरफुल फ्लैगशिप चिपसेट है और ये चिपसेट अगर रियलमी X3 के साथ में ऑफर करेगा तो दैट विल बी ऑसम। कैमरास को लेकर बात करें तो टिपिकल कैमरा सेंसर जो आपको बाकी अदर रियलमी फोन्स में देखने को मिलते हैं बिल्कुल सिमिलर से डिजाइन के साथ में, लाइक 64 MP प्राइमरी सेंसर, 8 MP अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 MP डेप्थ सेंसर एंड 2 MP मैक्रो सेंसर। बाकी ऐसे भी स्ट्रॉन्ग लीक्स है कि शायद से इस बार आपको यहाँ पर थर्ड सेंसर की जगह एक टेलीफोटो लेंस का सपोर्ट देखने को मिल जाए विद डिजिटल जूम फीचर। फ्रंट कैमरा की बात करें तो 16+8 MP का ड्यूअल सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। और अगर बात करें बैटरी को लेकर तो 4200 mAh की बैटरी मिलने वाली है, जहां आपको 30W की सुपरवुक 4.0 फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल डिजाइन की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा डिजाइन आपको देखने को मिलेगा जैसा आपको रियलमी X3 जूम एडिशन के साथ में देखने को मिला था। ये डिवाइस 6GB से लेकर 12GB रैम और 64GB से लेकर 256GB के स्टोरेज वेरियंट के साथ में आ सकता है। सो गाइज, एक्सपेक्ट डिस्प्ले, बाकी अदर फीचर्स को लेकर बात करें तो लगभग मिड रेंज फ्लैगशिप फीचर्स आपको रियलमी X3 के साथ में देखने को मिल सकते हैं। अब रियलमी X3 सुपर जूम एडिशन 16 June को इंडोनेशिया में भी लॉन्च होने वाला है और इसे स्ट्रॉन्ग लीक्स है कि शायद से सिमिलर डेट पर आपको इंडिया में भी रियलमी X3 सीरीज देखने को मिल सकती है। गाइज, अगर फीचर्स वाइज बात करें तो ये डिवाइस काफी पावरफुल स्पेक्स आपको ऑफर करता है, तो प्राइसिंग 20 से 25 हज़ार के बीच में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर स्पेक्स में थोड़े बहुत और चेंजेस किए जाते हैं, लाइक यहाँ पर कोई डिफरेंट प्रोसेसर यूज किया जाता है, लाइक 7 सीरीज का कोई प्रोसेसर, तो मे बी ये डिवाइस आपको अंडर 20,000 देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। बाकी रियलमी X3 से रिलेटेड कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको चैनल पर जरूर से देखने को मिल जाएगी, तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।